इस बार चारधाम यात्रा में अब तक 90 घोड़ों और पशुओं की मौत हो चुकी है। इस बीच यात्रा मार्ग पर कई घोड़े और खच्चरों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सोशल मीडिया में आ रही वीडियो पर कहा कि इनमें से कई सारी वीडियो तो बहुत पुरानी हैं। कुछ वीडियो वायरल हुई हैं, उनमें कई वीडियो ऐसी हैं जो कि सही पाई गई हैं। ऐसे में हमने सीधे तौर पर निर्देश दिए कि ऐसी कोई भी क्रूरता जो पशुओं के साथ की जा रही है वह सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे कई लोगों के चालान काटे हैं जो कि घोड़े खच्चरों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही 1500 से ज्यादा घोड़े खच्चर संचालकों के लाइसेंस भी हमने रद्द किए हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपनी बात पहुंचाने का लोगों तक, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ वीडियोस पुरानी डाल दी जा रही हैं जो इस बार की हैं भी नहीं केदारनाथ में। दो वीडियो ज़रूर हमारे समक्ष आई थी जिसमें कि घोड़े को सिगरेट पिलाई जा रही है। एक लिंचोली से आई थी केदारनाथ ट्रैक पर और एक आई थी हमारे हेमकुंड साहब जी के ट्रैक रूट से, और हमने उस पर स्ट्रिक्ट आदेश थे हमारे कि कोई भी क्रूरता नहीं सही जाएगी, और हमने उन लोगों को अरेस्ट किया, उनके ऊपर FIR करी, उनको अरेस्ट कर लिया है। एक मैसेज दिया है विभाग ने कि कोई भी क्रूरता जो जानवर के ऊपर होगी वो उसको नहीं बख्शा जाएगा, उसको नहीं सहा जाएगा। इस बार हम ऑलरेडी केदारनाथ ट्रैक पर लगभग 17 FIR क्रूरता की कर चुके हैं, 201 चालान कर चुके हैं क्रूरता के, लगभग 1500 से 2000 जानवरों को हमने ब्लॉक किया है यात्रा से जो कि कमज़ोर थे या चोटिल थे। कोशिश हमारी यही थी कि जो डेथ है पिछली बार जो डेथ हुई थी उसको कंट्रोल किया जा सके, और कहीं ना कहीं उसमें हम थोड़ा सक्सेसफुल हुए भी हैं। पिछली बार पहले 7 दिन की यात्रा में केदारनाथ जी में लगभग 196 डेथ हुई थी, और इस बार अगर आप उसके फिगर को उठाएंगे तो 92 डेथ हुई हैं। तो 105 या 6 डेथ हमने कंट्रोल करी हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 92 भी जो हुई हैं वो ठीक है, उनको भी कम करना है, उनके लिए भी हम व्यवस्थाएँ खड़ी करेंगे। आगे और क्या हम सुविधाएँ दे सकते हैं और क्या हम रूल्स बना सकते हैं जिससे कि ये डेथ भी कम हो, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन 10,000 जानवर वहाँ पर चल रहे हैं, घोड़े खच्चर चल रहे हैं, और दो वीडियो सामने आई हैं क्रूरता की, तो ये आपको दिखाता है कि सरकार ने जो स्टेप्स इस बार उठाए हैं और जो हमारे इस बार संसाधन हमने नीचे खड़े करे हैं उसका फर्क कहीं ना कहीं धरातल पर देखने को मिला है।